मध्य प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हिमाचल चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। टिब्बत रेल में फंसे सभी 11 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला, सीएम जयराम ने किया घटना स्थल का दौरा। हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाड़ों के जेजीआर होटल में रोपवे में तकनीकी खराबी आने के कारण फंसे सभी 11 पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ओमकार चंद शर्मा ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि प्रशासन और पुलिस की टीम ने 11 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। बताया जा रहा है कि घटना करीब 2:45 बजे हुई। ताजा हुई 30 साल पुराने हादसे की यादें, जब एक जाबाज अफसर ने बचाई थी 10 लोगों की जान। हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाड़ू के जीजीआर होटल में रोपवे में तकनीकी खराबी आने के कारण फंसे सभी 11 पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि प्रशासन और पुलिस की टीम ने 11 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। वहीं इस घटना ने 1992 के उस हादसे की यादें ताजा कर दी, जब 10 लोगों की हवा में सांसें अटक गई थी। हिमाचल में झमाझम बारिश, चंबा में मलबे में दबे वाहन, कई जगह ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। प्री मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में सोमवार को बादल झमाझम बरसे। कुल्लू और हमीरपुर ऊपरी शिमला के कई क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई। चंबा में मलबे में दो कारें और एक बाइक दब गई। शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हुई। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर भी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार को भी मौसम खराब बना रहने की संभावना जताई। भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 24 जून तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। जयराम ठाकुर का प्रतिभा और मुकेश पर निशाना, बोले तू बोलने वाला तू बनकर ही रह जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में कहा कि त्रिदेव के बिना पार्टी को जीत नहीं मिल सकती। त्रिदेव ही पार्टी को जीत दिलाते हैं, पार्टी संगठन को मजबूत बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा को जीत का श्रेय धर्मेंद्र प्रधान को जाता है, क्योंकि वहां चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ही रहे। हिमाचल में भी भाजपा की जीत सुनिश्चित बनानी है, संगठन ही सरकार बनाता है। मोदी निर्णय करने वाले नेता हैं, उनका विश्व में पूरा मान सम्मान हो रहा है। कोरोना काल के संकट से उभारने के लिए मोदी का प्रयास सराहनीय है। हिमाचल पुलिस ने चिट्ठे की बड़ी खेप सहित गिरफ्तार किया सरगना, पकड़े गए युवक की निशानदेही पर कार्रवाई। जिला बिलासपुर में बिक रहे चिट्ठे की तस्करी के तार विदेशी तस्कर से जुड़े हुए हैं। ये विदेशी तस्कर भारत में रहकर नशे की तस्करी कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में कोच कहलूर पुलिस ने नई दिल्ली से एक नाइजीरियन को चिट्ठे के साथ गिरफ्तार किया। इस विदेशी को कोच कहलूर पुलिस ने कुछ दिन पूर्व चिट्ठे के साथ पकड़े गए युवक के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया। भारी बारिश के बीच शिमला में अग्निवीर योजना के खिलाफ किया प्रदर्शन। सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लाने के बाद से ही पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और इस योजना का विरोध युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। राजधानी शिमला में भी सोमवार को प्रदेश भर के युवा पहुंचे और डीसी कार्यालय के बाहर भारी बारिश के बीच धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से सेना भर्ती के लिखित परीक्षा जल्द करवाने की मांग की। हिमाचल में आज 5 लाख लोग एक साथ करेंगे योग, 4 केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को हिमाचल प्रदेश में 5 लाख लोग योग करेंगे। इसमें आयुष विभाग के अलावा विभिन्न संगठनों जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, पतंजलि योगपीठ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विभिन्न शिक्षण संस्थानों व स्कूल के बच्चे शामिल होंगे। राज्य में आयुष विभाग करीब 1200 ग्रामीण स्थानों पर योग करवाएगा। इस तरह जिला स्तर पर करीब 135 स्थानों पर योग के कार्यक्रम होंगे। राज्य में केंद्र सरकार के 4 मंत्री अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, पंकज चौधरी व निश्चित प्रामाणिक प्रदेश के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में जाकर योग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। समर वेकेशन स्कूल्स में अब 22 जून से 29 जुलाई तक होंगी छुट्टियां। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से समर वेकेशन स्कूल्स की छुट्टियों में बदलाव किया। अब ये छुट्टियां 22 जून से 29 जुलाई तक होंगी। 2 दिन पूर्व विभाग ने 21 जून से 28 जुलाई तक की ये छुट्टियां दी थी, लेकिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के चलते इसमें बदलाव किया गया। दो महिलाएं व एक व्यक्ति निकले कोरोना पॉजिटिव। जिले में सोमवार को कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। इसमें कुम्हारका क्षेत्र की 27 वर्षीय महिला, सलूड़ी की 33 वर्षीय महिला व साठ क्षेत्र का 52 वर्षीय व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। 19 जून को आरटीपीसीआर लैब में 6 सैंपल्स की जांच की गई। इसमें 5 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई और 1 सैंपल पॉजिटिव पाया गया है।
धर्मशाला में उत्तर भारत की महिला विधायकों व मंत्रियों का सम्मेलन 22 से होगा शुरू, 3 दिन तक चलेगा। धर्मशाला शहर में एक बार फिर से इसी माह वीवीआईपी मूवमेंट होने जा रही है। पहले राष्ट्रपति के दौरे को लेकर वीवीआईपी मूवमेंट रही, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे व अखिल भारतीय मुख्य सचिवों के सम्मेलन को लेकर ये मूवमेंट रही। बीच में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे रहे, अब उत्तर भारत के महिला विधायकों का सम्मेलन धर्मशाला में होने जा रहा है। ये सम्मेलन 3 दिन का होगा, 22 जून से शुरू होगा और 3 दिन तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, अब हिमाचल में बनेगी भाजपा की सरकार। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भाजपा की सरकार बनी तो अब हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। मेरे 4 चुनाव में त्रिदेव ने ही पोलिंग बूथ पर संगठन का कार्य किया। कोरोना जैसी आपदा से निपटने के लिए मोदी सरकार ने शानदार कार्य किया। देश में वैक्सीन के लिए देश और प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया। कांग्रेस सरकार के दौरान देश में गरीबी बढ़ी है। यूएस क्लब में विद्युत बोर्ड का कार्यालय जलकर राख, एक सरकारी आवास को भी पहुंचा नुकसान। राजधानी शिमला के यूएस क्लब क्षेत्र में सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे बिजली बोर्ड के सेक्शन कार्यालय में आग लग गई। इसमें कार्यालय पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस घटना में कार्यालय के अंदर लगे 2 ट्रांसफार्मर सहित करीब 40 लाख रुपए का सामान जल गया। 10वीं कक्षा के नतीजे इस दिन घोषित कर सकता है हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं के बाद अब 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित करने की तैयारी में जुट गया। फर्स्ट और सेकेंड टर्म की परीक्षाओं के मूल्यांकन के बाद नतीजे तैयार किए जा रहे हैं। 24 जून तक नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। 2 साल बाद 11 जुलाई से शुरू होगी श्रीखंड महादेव यात्रा। विश्व की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी। 18,570 फीट की ऊंचाई पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कई ग्लेशियर पार करने पड़ते हैं। ये यात्रा 24 जुलाई तक चलेगी। इस बार यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। 271 ने उत्तीर्ण की स्टाफ नर्स की लिखित परीक्षा, माइनिंग ऑफिसर भर्ती का परिणाम भी घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 933 के 85 पदों के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। इन पदों के लिए आयोग को 17,863 आवेदन प्राप्त हुए, इसमें से 16,676 पात्र बन गए। लिखित परीक्षा 13,170 ने दी जबकि 3,606 अनुपस्थित रहे। 271 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।